ये जनपद ललितपुर के विकासखंड चकोरा के गांव बरोदा स्वामी है और बरोदा स्वामी के अमृत सरोवर तालाब जिसका यहां पे नाम दिया गया है, यहां पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नजारा यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें यह कहा जा सके कि यह एक अमृत सरोवर तालाब यहां पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहां पे कि यहां पे नाम होना चाहिए, यहां पे ध्वजारोहण के लिए यहां पे अभी स्थान दिया गया है, लेकिन सरकार की धनराशि का किस तरह बंदरबांट किया गया है, किस तरह दुरुपयोग किया गया है, जो जनता के टैक्स के रुपए से विकास किया जाना चाहिए लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी किस तरह लगातार बंदरबांट कर रहे हैं और किस तरह खाना पूर्ति कर रहे हैं और विकास के नाम पर लगातार अपनी जेबें भरने में यहां पे लगे हुए हैं। और अगर आप पे देखेंगे तो पेपर ब्रिक्स का वहां पे काम चल रहा है तो उसमें भी खाना पूर्ति की जा रही, जो चिनाई की जानी थी एम सेंट का नाम लेकर दस से पूरा कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे केवल मिट्टी के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा, यहाँ पे चारों तरफ से मुर्मीकरण करके और यहाँ पे केवल खाना पूर्ति यहाँ पे की गई, यहाँ पे वृक्ष केवल पेवर वृक्ष यहाँ पे जिस तरह ये भी देखा जाता है कि अमृत सरोवर तालाब के आसपास वृक्षारोपण भी किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे एक भी वृक्ष यहाँ पे नहीं देखा जाता है और केवल ग्राम प्रधान और उनके सहयोगी अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और ऐसे ही और बात करें यहाँ पे अधिकारियों को लेकर तो वो भी उनकी नाकामी और अनदेखी के कारण शायद आज हालत इन ग्राम पंचायतों में देखने के लिए मिल रहा है और विकास रुक कर रह गया है। जो मानसिक रूप से लोगों का विकास होना चाहिए, जो धरातल पर विकास होना चाहिए वो भी रुकते हुए देखा जा रहा है। किस तरह लगातार पलीता लगाया जा रहा है वो भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इनकी हकीकत दिखाएंगे और किस तरह यहाँ पे इनकी पोल खोलती हुई देखी जाती है, क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे।